क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड स्मूथ है और सारे कोरिजन प्योरली इलास्टिक हैं, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच रिलेशन फाइंड करना है ताकि दोनों ब्लॉक के बीच कोरिजन सिर्फ एक बार हो, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फर्स्ट कोरिजन के बाद स्मॉल एम मास की स्पीड कैपिटल एम मास के स्पीड से ज़्यादा नहीं होती है, तो उस केस में दोनों के बीच सेकेंड कोलिजन नहीं होगा। मतलब ये कि मान लेते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद कैपिटल एम की वेलोसिटी इज़ द वी वन के इक्वल और स्मॉल एम की वेलोसिटी इस तरफ वी टू के इक्वल हो जाती है। तो अगर वी टू लेस देन इक्वल टू वी वन है, तो उस केस में दोनों के बीच सेकेंड कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल एम ब्लॉक जब वर्टिकल वॉल से कोलाइड करके बैक आएगा, तो चूंकि वी टू लेस देन इक्वल टू वी वन है, तो कन्फर्म है कि स्मॉल एम दोबारा कैपिटल एम से कोलाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो हम वी वन वी टू दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन वी हैव इनिशियल मोमेंटम एम यू इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज कैपिटल एम वी वन माइनस स्मॉल एम वी टू। दिस इज इक्वेशन वन। अगेन वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज वी वन प्लस वी टू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकॉज कोलिजन प्योरली इलास्टिक एंड दिस इज इक्वेशन टू। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव एम यू इक्वल टू कैपिटल एम वी वन माइनस स्मॉल एम वी टू की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। दिस इज यू माइनस वी वन, सो दिस इम्प्लाई दैट वी वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम यू प्लस एम यू दैट इज टू स्मॉल एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, अगेन वी टू इज इक्वल टू यू माइनस वी वन यू माइनस टू स्मॉल एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम यू माइनस स्मॉल एम यू डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, नाउ वी हैव वी टू लेस देन इक्वल टू वी वन दिस इम्प्लाई दैट तो अब डिनोमिनेटर सेम है, सो वी हैव कैपिटल एम यू माइनस स्मॉल एम यू लेस देन इक्वल टू टू एम यू 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 कैंसिल, सो वी हैव कैपिटल एम लेस देन इक्वल टू थ्री स्मॉल एम। तो ये आंसर हो गया और इतने से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।